पहली गेंद की शुरुआत सामने होंगे भूप्रिया। पहली गेंद लेग स्टंप के बाहर वाइड करार दिया, अच्छी विकेट कीपिंग वहां पे अननोन निहाल के द्वारा। अमित सामने होंगे भूप्रिया, अनुभवी बल्लेबाज रेस के और सामने खेल दिया, उसे रन लेना चाहते थे, मना किया भूप्रिया ने, विजय रन चाहते थे। अच्छी गेंद थी, काफी उछाल लेती हुई, काफी ऊपर लगी, हल्का सा प्रश्न पूछा वहां पे अंपायर से, नकार दिया अपील। तेज गति के गेंदबाज अमित एक बार फिर से चले और बहुत ही लंबा छक्का, छह रन के लिए बाउंड्री से बाहर। थोड़ा सा आगे लेंथ रखी वहां पे अमित ने और जितनी तेज गेंद थी उतनी तेज बाउंड्री के बाहर गई। अमित सामने होंगे भूप्रिया, अच्छी गेंद थी ऑफ स्टंप के बाहर, थोड़ा सा खींचा इस बॉल लाइन को और बीट हुए वहां पे भूप्रिया। अगली गेंद सामने होंगे भूप्रिया, एक खिलाड़ी को मिड विकेट बाउंड्री लाइन पे तैनात किया गया वहां पे आशीष नेगी को। अमित अच्छी गेंद थी और खेल दिया उसे, अच्छा तालमेल दोनों बल्लेबाजों के बीच, एक रन पूरा किया। इसी के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 8 रन, 4 रन करने वाले थे बिना किसी नुकसान के। विजेंद्र पहली बार स्ट्राइक होंगे, अमित की गेंदों का सामना करेंगे। अमित अच्छी गेंद थी, बीट हुए वहां पे विजेंद्र, एक स्लिप के साथ खेलते हुए आज गेंद को खेल दिया, बेहतरीन शॉट 4 रन के लिए। काफी अच्छी क्रिकेट खेलते हुए यहाँ पे भूप्रिया, अभी तक एक छक्का और एक चौका लगा चुके हैं। सीबी स्टंप के बाहर मीट हुए इस बार भूपेंद्र सामने भूप्रिया, अच्छी गेंद थी नीचे रहती हुई गेंद, खेल लिया उसे और अच्छा तालमेल दोनों ही बल्लेबाजों के बीच, एक रन पूरा किया दोनों ही बल्लेबाजों ने दौड़ के, अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। सीबीज भूपेंद्र और विजेंद्र ने खेल लिया इसे, बॉलर ने खुद अपनी फॉलो थ्रू में गेंद को फील्ड किया, कोई रन नहीं होंगे। विजेंद्र आज गेंद को खेल दिया मिड विकेट क्षेत्र में, एक रन दौड़ के पूरा किया, जब तक गेंद को फील्ड करते दूसरा रन, दूसरे रन के लिए वापस विजेंद्र रनिंग बिटवीन द विकेट में काफी तेज, तीसरे रन के लिए वापस और 3 रन पूरे किए दोनों ही बल्लेबाजों ने। और यहाँ पर विजेंद्र को 3 रन मिले, स्कोर बढ़ता हुआ 18 रन बिना किसी नुकसान के। अच्छी गेंद थी, लेग स्टंप के बाहर से गेंद अंदर की ओर मूव हुई, अक्सर तेज गेंदबाज अच्छी गेंदबाजी करते हैं। अमित आज गेंद को खेल दिया है एक रन के लिए, काफी अच्छे आवाज आई वहां पे, ध्वनि आई बल्ले से और पंकज नेगी आज काफी प्रसन्नचित नजर आ रहे हैं क्योंकि स्कोरिंग में उन्हें आज थोड़ा सा रिलीफ मिला। आज गेंद को खेल दिया हवा में दी, वहां पे मौका छूटा और भूप्रिया जैसे बल्लेबाज का मौका देना बहुत बड़ी बात होती है। सीबी अमित सामने होंगे विजेंद्र, पटकी हुई गेंद बॉलर के सर के ऊपर से खेला एक रन के लिए। आज गेंद एज लेती हुई गेंद थर्ड मैन पे गई एक रन के लिए और स्पीच भूपी काफी नीचे रही है गेंद। भूपेंद्र सामने होंगे भूप्रिया, पटकी हुई गेंद ऑफ स्टंप के बाहर वाइड करा रहे, इसी बीच अंपायर की बाहें खुली, इसी एक अतिरिक्त रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 23 रन। सामने होंगे दिव्यांशु और इसको फ्लिक करना चाहते, वाइड गेंद फ्लिक करना चाहते थे वहां पे दिव्यांशु, अच्छी गेंद थी लेग स्टंप के बाहर, अपील हुई वहां पे, नॉट आउट करार दिया अंपायर ने। डॉट बॉल कौन सा, भूपेंद्र डॉट बॉल, ठीक स्पीच
भूपेंद्र सामने होंगे दिव्यांशु अच्छी गेंद थी भूपेंद्र सामने होंगे दिव्यांशु आज गेंद को खेलना चाहते थे पूरी तरीके से जो काफी वहां पे क्या हुआ एलबीडब्ल्यू और हमारे कमेंट्री बॉक्स में भी पंकज नेगी लगातार स्कोरिंग पे बने हुए और इसके अलावा पूरे दर्शक यहाँ पे मैच का आनंद लेते हुए और हमारे गुरुजी भी और काफी अच्छी गेंदबाजी करी है भूपेंद्र ने अभी तक कमल सिंह भूपेंद्र सामने होंगे बोल्ड इस प्रकार ये तीसरा झटका उम्मीद गेंदबाजी मोर्चे पे भारी का उम्मीद रावत छठवा ओवर लेके और सामने होंगे विजेंद्र पहला गेंदबाजी परिवर्तन अच्छा कर भाई गेंद को खेल दिया है अच्छी बिल्डिंग आज उम्मीद अच्छी गेंदबाज है और गेंद को लग स्टंप के बाहर से टर्न किया बीच उम्मीद की इस गेंद को खेल दिया है बाउंड्री लाइन के बाहर अंपायर का इशारा आना 6 रन लंबी लंबी चरक मारते एक दो जबरदस्त शॉट वहां पे विजेंद्र के बल्ले से निकलता हुआ अच्छी गेंद थी ऑफ स्टंप के बाहर जाने दिया उसे विकेट कीपर के स्थानों में कोई रन नहीं उम्मीद फिर एक बार फिर से सामने होंगे विजेंद्र लेग स्टंप के बाहर दिए गेंद सीधे हाथों में कैच थलमैन बाउंड्री लाइन पे इस प्रकार एक और झटका लगता हुआ तब उम्मीद गेंदबाजी करने के लिए आते हैं इस गेंद को खेल दिया है फील्डर वहां पे चूके 4 रन के लिए बाउंड्री के बाहर आशीष गेंदबाजी मोर्चे पे और अच्छी गेंदबाजी यूनिट है यहाँ पे भंगोटा की तरफ से होगा इस पिच पे किस प्रकार की गेंदबाजी करते हैं अपना पहला ओवर पारी का 7वां ओवर लेके आ रहे हैं 41 रन मैच का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पे आशीष 4 विकेट के नुकसान पे सॉरी लेग स्टंप के बाहर वाइड करार अंपायर का खेल दिया है फाइनल की ओर अंपायर का इशारा आना बाकी 4 रन अंपायर लेग अंपायर का इस बीच आशीष सामने होंगे विपिन सामने खेल दिया ऐसे कोई रन नहीं दो बॉल हो गई ना दो बॉल आशीष सामने होंगे एक बॉल हुई दो लेग स्टंप के बाहर वाइड और अभी तक काफी दिशाहीन गेंदबाजी की है लेग बाय फोर विपिन गेंदबाजी के काफी बाहर वाइड करा अंपायर कि एक रन पूरा किया दूसरे के लिए वापस 2 रन पूरे किए तीसरे के लिए वापस 3 रन पूरे किए संतोष अब सामना करेंगे लेग स्टंप का गाड़ लेते हुए सामना होंगे आशीष आज गेंद को खेल दिया है गेंद को जब तक फील्ड करते एक रन पूरा किया दोनों ही बल्लेबाजों ने अच्छी आशीष अपने ओवर के अगली गेंद सामने होंगे विपिन 9 स्टंप के काफी बार वाइड आशीष ऑफ स्टंप के बाहर वाइड काफी बाहर गेंदबाजी कर रहे हैं आशीष अपनी लाइन और लेंथ को सीमित आशीष स्टंप के बाहर इस बार चकली गेंद विपिन इस बार सीधे यॉर्कर गेंद कोई रन नहीं आशीष सामने होंगे विपिन स्टंप के बाहर बीट किया इस बार बल्लेबाज क्या आ रहे हैं 8 में 4 7 में 4
गेंद कैच लेती हुई, फील्डर छोटा है कैच, बॉलर कुछ हुई काफी पीछे की ओर भागना पड़ा वहाँ पे। गेंदर आराम से एक ठोक दे जर्क फुल। अच्छी गेंद थी, सामने खेल लिया, कोई रन नहीं। सामने विपिन, काफी जिम्मेदारी है विपिन पे और काफी ऊपर लगी, अपील जरूर करी थी। हालांकि सभी उमेर सामने आगे, अच्छी गेंदबाजी, विपिन लगातार बीट हो रहे हैं, भी उछला था नहीं ले पाए वहां पे फील्डर। हर्ष गेंद को फिर से हवा में, गेंद एक रन पूरा किया, दूसरे के लिए वापस, दूसरा रन पूरा किया और तीसरे के लिए वापस, तीसरा भी पूरा किया। संतोष रनिंग बिटवीन द विकेट में काफी तेज और चार रन दौड़ के पूरे किए दोनों ही खिलाड़ियों ने। उमेर सामने होंगे विपिन, हर्ष गेंद को खेल दिया है, छह रन के लिए सीधे बाउंड्री लाइन से बाहर। सामने होंगे संतोष, आयुष अपने कोटे का पहला ओवर और पारी का नौवां ओवर लेके आ रहे हैं। अजगान को खेल रहे हैं, बेहतरीन शॉट वहां पे संतोष के बल्ले से निकलता हुआ, चार रन के लिए आयुष। सामने होंगे संतोष, बोल हो गया यहाँ पे संतोष, आयुष अपने गेंद लंबे गेंदबाजी रन अप पे। और सामने आगे सतीश, दोनों ही टीमों में काफी परिवर्तन आज। आयुष सामने आगे सतीश, तुम के बाद वाइट करार, जय श्री राम। गेंद को खेल दिया है, फील्डर वहां पे मौजूद थे, कोई रन नहीं। सतीश रन लेना चाहते थे, नॉन स्ट्राइक है, इनसे विपिन ने मना किया। हम लगातार अच्छी गेंदबाजी, पट गई गेंद, फील्डर उसके नीचे और एक और विकेट, काफी खराब शॉट कहा जा सकता है क्योंकि ग्राउंड में भी खेल सकते थे इस शॉट को। सामने खेल दिया इसे, एक रन के लिए और एक खाता खोला यहाँ पे इसी के साथ। आयुष ने पूरा शिकंजा कसना चाहते हैं यहाँ पे पंगोटा टीम। अमित को फिर से गेंदबाजी मोर्चे पे ले आए, विकेट कीपर भी चूके, एक रन पूरा किया बाई का अमित, अच्छे क्रिकेटर। सामने हो गया अंशु, कौन सा लेती है गेंद, 79 रन, लॉस ऑफ 5 विकेट, 79 रन हो रहे 79 शॉट सीबी, और बेहतरीन दर्शनीय शॉट। और विपिन को तो ऐसी गेंद है एकदम लॉलीपॉप जैसी लगती है। आयुष फिर से गेंदबाजी मोर्चे पे, आयुष की क्या आयुष है जो अमित को गेंद को उठाना चाहते थे, पूरी तरीके से गेंद के लाइन को चूके बल्लेबाज। फिर से सीबी, एक रन के लिए खेल दिया और एक लूज गेंद जरूर थी वहां पे, फायदा नहीं उठा पाए। आयुष इस गेंद को खेल दिया एक रन के लिए, अच्छी बल्लेबाजी वहां पे विपिन के द्वारा। अभी आयुष अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं तो उनकी गेंदों को सम्मान भी दे रहे हैं, अच्छी गेंदों को एक रन के लिए प्लेस कर रहे हैं। तो विपिन एक मजे हुए बल्लेबाज हैं, न्यू एडिशन। फिर से लप्पा घुमाना चाहते थे, पूरी तरीके से चूके, अक्रीज के काफी अंदर खड़े हैं इसलिए टाइम नहीं कर पा रहे हैं वहां पे अंशो। आज गेंद को खेल दिया है, कोई रन नहीं।
के लिए बाउंड्री के बाहर तो विपिन के बल्ले से निकलता हुआ चौका एक दो तीन 91 रन। इसी बीच अच्छी गेंद थी और इसे खेल दिया अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट विपिन एक रन विपिन जी सामने होंगे के बाहर वाइट करार और गेंद फिर से बल्ले लेती हुई फील्डर उसके नीचे छिटका एक है 4 रन के लिए बाउंड्री बाहर 4 रन अंपायर का इशारा अनशुका ना यार बोलो 6 रन भाई विपिन के बल्ले से निकलता हुआ छक्का जबरदस्त बल्लेबाजी भाई विपिन के बल्ले से निकलती हुई जी तो यार मारे ले भाई छक्का और भाई देखो चारों तरफ आग से कितना धुआं हो गया धुआं धुआं ये देखो पूरा पैक हो गया है थोड़ा सा यहाँ पे फील्ड ही दिख रहा है पर हमारे पंकज भाई फिर से आ गए स्कोर पे और नितिन भी लगातार इस वीडियो को शूट कर रहे हैं यहाँ पे भाई 6 रन सवा 6 रन अंपायर का इशारा 30 रन ये अब तो थोड़ा दूर तो जा बेटे शाबाश सवा लड़के 24 वाह तो 3 ओवर का खेल रह गया अब उम्मीद अब गेंदबाजी मोर्चे पे और सामने होंगे भाई अंशु यो शाबाश पकड़ अंशु ने 25 रन बनाए भाई अच्छी बल्लेबाजी करी 19 गेंदों का सामना करके जिसमें 2 छक्के और 2 चौके शामिल हैं तो हरीश आया है भाई नए बल्लेबाज के रूप में तो उम्मीद आखिरकार विकेट ले ही लिया उन्होंने तो विकेट टेकर के रूप में जाना जाता है उन्हें एक रन ले लिया भाई वहां पे बाइक गेंदबाजी मोर्चे पे हरीश की गेंद का के बाहर बीट किया इस बार इस बीच अनोन्याल गेंद को खेल दिया है एक रन पूरा किया दोनों बल्लेबाज अंपायर का इशारा आना बाकी ग्राउंडमैन के दिया बता दें एक रन तो वहां पे ग्राउंडमैन एक रन ले लिया रन आउट का खतरा भी रहा है किया और काफी स्विच हिट देखने को मिला यहाँ पे विपिन के बल्ले से हाथ के बल्लेबाज लेफ्टी होके उन्होंने शॉट को खेला ओवर भाई अंतिम ओवर का खेल से आयुष आए गेंदबाजी जोर से फ्री हिट और फिर से तेज बॉलिंग मत तेज जा भी सकते
एक रन तो ये आठवां विकेट गिरा रेस का पारी का अंतिम ओवर है और आयुष जो कि काफी अच्छी गेंदबाजी करी अभी तक तीन सफलताएं अर्जित कर चुके हैं। अगर रेस को अच्छा फिनिश चाहिए तो विपिन को स्ट्राइक चाहिए और स्टंप के बाहर के बीच हुए बल्लेबाज बीट हुए अच्छे विकेट कीपिंग वहां पे बैटे सामने होंगे नवीन जगह खेल गया है और इस बार काफी देर से इस टाइम चाहते थे वहाँ पे अभी तक काफी अच्छी गेंदबाजी की सबसे बेहतरीन गेंदबाजी भंगोटा की तरफ से इसी बीच चूके इस बार 149 रन रिकॉर्ड 149 और 150 रन बनाने होंगे यहाँ पे भंगोटा को जीत के लिए। तो इस प्रकार पहली पारी समाप्त होती है रेस की 115 ओवर की समाप्ति में बनाए 149 रन और 150 रन बनाने होंगे भंगोटा को। और यहाँ पे अपील हुई सामने करेंगे लेकिन एकदम से संतोष होना पड़ेगा यहाँ पर रस ने भंगोटा के खिलाफ खड़ा किया है वेल शांत क्रिकेट चल दाल
अच्छी गेंद बीट किया यहाँ पे आशीष को, एक बार फिर से चले, अच्छी गेंद थी, लेग स्टंप के बाहर थी ये गेंद, वाइड करा अंपायर कमल नेगी का, बहुत ही अच्छे बल्लेबाज है आशीष, काफी दारमदार करता है इनको। अकोटा की टीम अच्छी गेंद थी, फिर से बीट हुए वहां पे आशीष, सामने होंगे आयुष, आज गेंद को खेल दिया है वहां पे फील्डर मौजूद, एक रन पूरा किया दोनों ही बल्लेबाजों ने जब तक गेंद को फील्ड किया जाता, आशीष के बल्ले पे अच्छी कनेक्ट होने लगी गेंद तो निश्चित रूप से बॉल लग गया आशीष, काफी बड़ा विकेट और काफी बड़ा झटका लगाए टीम को आशीष, इस गेंद को खेलना चाहते थे मिड विकेट बाउंड्री लाइन से बाहर पर पूरी तरह, धीरे धीरे कदम से मैदान की ओर जाते हुए सीमित विजेंद्र गेंद को स्वीप करना चाहते थे पूरी तरीके से चूके, और चार फील्डर विजेंद्र सामने होंगे, पंकज अच्छी गेंद थी ऑफ स्टंप के बाहर, बीट किया बल्लेबाज को पूरी तरीके से, एक मौका था तो जाता रहा, और कितने प्रभावशाली दिखे नहीं अभी तक विपिन ने दो, और फिर से हवा में हरीश तो दूर रह गए, काफी तेज तो आ रही फिर से हवा में है, फील्डर थोड़ा दूर है गए, कोई रन एक रन पूरा किया, दूसरा रन चाहते थे पंकज, उसने फेंक रखा फिर से खेल दिया है फेंक रखे एक रन के लिए, विजेंद्र वहाँ पे काफी चुस्त और आयु सामना करेगा संतोष की गेंद का, इस बार और एक और विकेट गिरता हुआ यहाँ पे, तो काफी देर के बाद कैचिंग हुई यहाँ पे रेस की तरफ से, और अमित पे काफी बड़ी जिम्मेदारी है अभी, काफी बड़े स्कोर का पीछा करना है, अब कुछ कहा नहीं जा सकता है, अमित जब तक मैदान पे है तब तक ये मैच बिल्कुल धंगोटा की पकड़ में, अच्छे खिलाड़ी हैं ऑलराउंडर खिलाड़ी, अक्सर लोअर मिडल ऑर्डर में बल्लेबाजी करने आते हैं और अपनी टीम के लिए हमेशा से विनिंग हिटिंग अमित ही करते हैं, तो चाहेंगे कि अमित को जल्द से जल्द पवेलियन भेजा जाए, इसी बीच संतोष सामने अमित, अच्छी गेंद नीचे रहती हुई वहां पे चूके, एक ही छोर पे दो खिलाड़ी और काफी युवा गेंदबाज 15 वर्षीय सामने होंगे पंकज, खेल और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, चार रन के लिए कोटे का तीसरा ओवर, विजेंद्र खुद लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन पे आते हुए पीट किया बल्लेबाज, तो युवा खिलाड़ी सामने होंगे पंकज, काफी अनुभवी बल्लेबाज लेती हुई गेंद, बहुत महंगो खान जी पैसे, तो पंकज भाई कह रहे हैं कि यहाँ धूप काफी महंगी रहती है, महंगी नहीं भाई क्योंकि आज गेंद को खेल दिया है वहां पे विपिन, काफी चुस्त फील्डर है लेकिन काफी निराश किया आज रेस के फील्डरों ने, अच्छी फील्डिंग करने के बावजूद वहां पे दो रन दिए, काफी खराब थ्रो संतोष, सामने होंगे अमित और ऊंचा उठा दिया इस गेंद को फील्डर, उसके नीचे एक रन पूरा किया और दूसरे के लिए वापस, दूसरा भी पूरा किया, जब तक संतोष के हाथ में गेंद आती अपनी अच्छी बल्लेबाजी के लिए गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं, इस गेंद को खेल दिया है और अंपायर का इशारा आना बाकी, छह रन
और वहाँ पे गाल जी अच्छी रनिंग बैटिंग द विकेट सामने होंगे बोल्ड कर दिया यहाँ पे पंकज को लगातार बड़ा हिट खेलना चाहते थे पंकज बोल्ड है तो एक और सफलता मिली देखना होगा इस मुकाबले में क्या कुछ करता है अपनी टीम के लिए संतोष सामने है बिपिन और गेंद को खेल दिया है एक रन पूरा किया दोनों ही बल्लेबाजों ने जब तक गेंद को फील्ड करते दूसरे के लिए जाना चाहते हैं अमित मना किया इस प्रकार ओवर की समाप्ति बीच और ये हवा में है ऊंची है फील्डर उसके नीचे नहीं आ पाए मैदान में व्यवधान के कारण दो रन दूरी के दोनों ही बल्लेबाजों ने किया था इसी बीच विजेंद्र और गेंद खेल दिया है विपिन ने एक रन के लिए चौकी में लेने की जरूरत नहीं अभी जेंद्र एक बार फिर से लंबा छक्का विपिन के बल्ले से और इस टूर्नामेंट का सबसे लंबा छक्का जैसा कि मैंने कहा अमित कोई भी ऐसी गेंद नहीं छोड़ेंगे जो उनके पाले में हो और गेंद उनके पाले में थी काफी लंबा छक्का निकलता हुआ उनके बल्ले से इसी बीच हमारे पंकज ने किसी तरह बता रहे हैं सारा और गेंद भेज लिया फील्डर उसके नीचे थोड़ा सा दूर रह गए एक रन पूरा किया गेंदबाज फुल टॉस गेंद कैच सीधे हाथ में आउट विकेट गिरता हुआ सतीश सामने होंगे अमित बेहतरीन बल्लेबाजी किया अभी तक अमित ने और इस गेंद को फिर से उठा दिया छह रन के लिए अमित के बल्ले पे जो गेंद आएगी वो बाउंड्री के पार जाएगी इस बीच सतीश सामने आ गया अमित गेंद को खेल दिया है एक रन के लिए स्ट्राइक मना किया वहां पे बाजू को मैच में कुछ कहा नहीं जा सकता अभी भी चुपता के पास वो फायर पावर मौजूद है अमित और उम्मीद के रूप में भंगोटा के पास माफ कीजिएगा क्योंकि दोनों ही बल्लेबाज हमेशा चौका की तरफ से खेलते हैं तो इसलिए सामने होंगे उम्मीद और इस गेंद को खेल दिया बेहतरीन शॉट वहां पे चार रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर जैसे कि बाहर नीचे गति विकेट कीपर भी चूके अच्छी फील्डिंग वहां पे एक रन पूरा किया काफी अच्छा थ्रो था भाई का ये रन ओवर की समाप्ति इसी प्रकार नीचे रही गेंद थर्ड मैन पे एक रन पूरा किया और बीट हुआ पे अमित क्यों से क्योंकि हवा से बार बार बेल्स निकल रही थी और हवा में फील्डर उसके छह रन के लिए बैटिंग ऑर्डर में भेजना चाहिए था पैट में लगी गेंद अच्छी गेंद थी उसका अच्छा जवाब दिया जो पिछला छक्का लगाया था अमित ने धीरे धीरे अपनी इस मैच में पकड़ मजबूत बल्लेबाजों ने हालांकि मौका जरूर था वहां पे सामने आगे उम्मीद अच्छी गेंद थी
34 तो मार लास्ट ओवर की क्या मारती 34 रन हुए ओवर में, छोटे ओवर में उसका भजन है। दो बॉल हुए फ्री हिट, एक ओवर में 6 छक्के। हरीश अंतिम ओवर करने आए हैं, हरीश आए हैं अंतिम ओवर करने के लिए। मेरा एक बॉल नहीं करा, और सामने होंगे अमित। देखना होगा इस ओवर में क्या कुछ होता है। पट गई गेंद आगे बीच में, वाइड रन, पहले को एक रन के लिए। उम्मीद होंगे स्ट्राइक पे, हरीश काफी हॉपलेस हो गए हैं जब अमित बल्लेबाजी पे थे, लेकिन अब देखना होगा कि उम्मीद के सामने किस प्रकार की गेंदबाजी करते हैं। अमित के बल्ले पे आई नहीं थी वो गेंद, और अंदाज हुआ यहाँ पे। अरे सामने हो गया अमित और पट गई गेंद, तार का छक्का। उम्मीद बहुत हो गया पवेलियन सारे एकदम बिखर चुके हैं मैदान पे। ये को चंद्रमा तो देखना होगा क्या कुछ करते हरीश। बमों का बम्बार्टमेंट होता हुआ मैदान पे, हरीश सामने होंगे चंद्रमोहन, और इस गेंद को खेल दिया है 6 रन के। चंद्रमोहन लाटते ही छक्के से अपना खाता खोला। चंद्रमोहन शाबाश, एक गेंद शेष रह गई है, मात्र एक गेंद। और देखना होगा क्या कुछ करते हैं चंद्रमोहन, और गेंद को भी खेल दिया है। ये मुकाबला रेस ने जीता। 15 ओवर 125 रन मारे, 125 रन बनाए 15 ओवर की समाप्ति में भंगोदा ने। इस प्रकार अगला मुकाबला खेल